आपको बताएं कि कौमी असेंबली में ज़िमनी इंतखाबात कौन से खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। अखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, जरा तफसील उनसे जान लेते हैं। अखलाक बाजवा, बताइएगा क्या सूरतेहाल बन रही है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। जी बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आज भी लाहौर के जो पार्लियामानी बोर्ड है उसका इजलास तलब किया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज भी जमान पार्क में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे, जबकि लाहौर के जो पार्लियामानी बोर्ड है उसकी हर नशीत पर अहम शख्सियात के नाम जो है वो तजवीज किए जाएंगे, जबकि इमरान खान की सियासत इजलास में वेस्ट पंजाब, नॉर्थ पंजाब और साउथ पंजाब के उम्मीदवारों का जो है वो जायजा लिया जा चुका है। इब्तदाई जायजा मुकम्मल होने के बाद मरकजी पार्लियामानी बोर्ड का इजलास जो है वो बराकर टिकटों का ऐलान किया जाएगा। जराये के मुताबिक पीटीआई ने जो कौमी असम्बली के जो 24 नशितों हैं उन पर भी इंतखाबात के हवाले से तैयारियां तेज कर ली हैं, और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने आज कोआर्डिनेटर का अहम मुशावती इजलास जो है वो जमान पार्क में तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक मुशावती इजलास में इंतखाबी मुहिम में पार्टी बयानी और दीगर मामला पर तफसीली जो है वो तबादला ख्याल होगा, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात की कंपेन के हवाले से जो है वो पार्टी के अहम जो जिम्मेदारियां हैं वो भी देंगे, जबकि इंतखाबी मुहिम में हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसियों और होशरुबा महंगाई के हवाले से इमरान खान कोआर्डिनेटर्स को जो है वो अहम हदायत देंगे। इजलास में डोर टू डोर कंपेन में खवातीन को अहम जिम्मेदारियां देने पर भी गौर किया जाएगा, जबकि कौमी असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में हर हल्के में कोआर्डिनेटर को सोशल मीडिया टीम जो है वो भी बनाने पर मुशावरत होगी, और पार्टी चेयरमैन इमरान खान कोआर्डिनेटर्स को इंतखाबी मुहिम की कामयाबी के लिए अहम हदायत भी देंगे। हदायत देंगे जनाब खान साहब, इन तमाम चीजों पर निगरानी करेंगे। खूने ना हक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क्यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सान है पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।